परेड कमांडर परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर परेड की आगे की कार्रवाई है वापस जाते हुए उच्च प्रशिक्षण लेने के बाद ये प्रशिक्षु अपने आप को राष्ट्र व सीमांत क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल की सेवा के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग का बहुत विकट और लंबा समय होता है जिसमें एक नौजवान को विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और वही जवान सीना तान कर बड़े जोश भरे अंदाज में कहता है, आप स्वर्णमयी लंका ना मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म होमश्य स्वर्गा तपी गरेशी। अच्छी सिखलाई इस प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला है और आज हम गर्व से कहते हैं रंग रूप प्रशिक्षण केंद्र सतत सीमा बल सुपौल उच्च कोटि का प्रशिक्षण केंद्र है। किसी भी बल की कार्य कुशलता निसंदेही इसके जवानों के कौशल प्रशिक्षण आधुनिक हथियारों के प्रयोग एवं युद्ध कौशल के ज्ञान पर निर्भर करता है। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बल के सदस्यों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सशस्त्र सीमा बल के जवान